गुड मॉर्निंग जी, अज हैगी 26 जनवरी ते अज असी करन जा रहे हैं कैंपिंग यूके च। ते प्लान साडा इही है कुछ के यूके च कैंपिंग करिए। ते देखिए हुण आपां डिसाइड करांगे, आपां जा रहे हैं लेक डिस्ट्रिक्ट, कित्थे जाके किहड़े पहाड़ ते करनी है कैंपिंग वो देखदे हां। फिलहाल अज सारिआं नूं हैप्पी रिपब्लिक डे। ते मैं आ समूदी पी के निकला लगांगे, खाली पेट नहीं जाणा, कुछ खा के जावांगे। बाकी देखदे हां की हुंदा अज। जिड्डा मेरा टेडिया मैनू लगता मैं ही सब तो ज़्यादा थकना, बाकी तो सारे गुजराती पतले पतले हैं, उन्होंने जल्दी पहुँच जाना। सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है, किसने बोला इतनी ठंड में घूमने के लिए? ये देखो पता नहीं, एक हमारा दोस्त था उसको कैंपिंग जाना था तो हम लोग सब जा रहे हैं। मिलन ने शुरू की है कैंपिंग की शॉपिंग। ये हमारे बड़ा जो हमारे को बीच बीच में पंजाबी बताएगा। ओ मैं वैसे अपना ब्लॉग पंजाबी में बना रहा। अभी हम कितने आए? अभी हम आधा में गांधी आधा में सबको करके कितने आए कितने आए कितने आए गुजराती पंजाबी। सो कैंपिंग लई जिहड़ी शॉपिंग है वह भी जरूरी सी, ते इन्हां नूं पता सी इन्हां ने ज़्यादा चीज़ां लई। इन्ना ज़्यादा समान लै लिया, मैनूं कोई डर है ये चकना कि छे बंदे जिहड़े नाल जुड़े हुए आ। कैंपिंग दे हिसाब नाल आपां नीडल वीडल लै लिया, समान बहुत इकट्ठा कर लिया, ते पता नहीं पानी वड्डी बोतल बड़ी पानी वड्डी बोतल लैनी। कोई कैंपिंग करेगा नहीं, क्यों? ठंडी इतनी है, खाने जाएगा। ये देखो कैंपिंग के लिए स्पेशल सामान के लिए ही चाहिए। ये पहली ब्रेक ब्रेकफास्ट के लिए, फालतू में कुछ नहीं, हमें भूख ज्यादा लग गई है। चलो कैंपिंग करने लई एक गल वधिया कि धुप वधिया निकली है, ते असीं हुण राह च रुके आ, कितें ब्रेक लाई है खाण पीण लई, ते जिहने वी कुछ करना नहीं करना इत्थे कर सकदे। या ये ना देना, ये गुलाब का पौधा जो उन्हें कैंपिंग करके ऊपर लगाना है। नहीं 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 नहीं, इसका पड़ने का अभी, ये फूल ये कोरा नहीं है, कोरा नहीं है अभी, इसको कोरा नहीं है कि इसको भी खिलना है और फूल को भी खिलाना है। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये बिना फूल के वो सोच के लिया खिलना है, खिल बस बस हो गई। सो फाइनली पार्किंग लभ के आप गड्डी पार्क की, तो सारा गड्डी चा समान कढ़िया, तो अपने अपने बैग च पैक किया। मिलन ने कहा भी जे कोई ज़्यादा भार है वह दस सकता है। चलो चलिए अज 26 जनवरी। जर्नी शुरू हो गई है, तो मेरी शक्ल पहले ही बिगड़ी बिगड़ी जी लग रही है। हो असी इतों शुरू करता, पता नहीं कितने तक जाना है, हम देखते हैं जिते कि जगह वधिया मिल जाए। तो मेरी टोपी, हाँ
वाह स्टार्टिंग च ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਰੇ ਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜਗਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਗਾੜ ਲਗਾਇਆ बंदे ने करा ले खराब चलो आगे आगे बढ़ते रहो बहुत ही सोहने नज़ारे ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਭ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਝਰਨੇ ਝੁਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਨਲੀਗਲ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ सारे गुजराती जो लड़ते मैं समझ भी नहीं आती की कह रहे ने की कह रहे ने वो बोल रहे हैं कि अगर उधर से हम जाए इधर से जाएंगे ना तो पूरा पैर गीला हो जाएगा तो हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं हाँ वो आगे छोटा है तो इधर से क्रॉस करके नदी के साथ साथ चलो ना आप पार किया है कंध एड्डी वड्डी है हालात इदा दे असं परले पास जाना वो बंद को पर सारा समझ नहीं आती जाना किधरों हाँ हाँ झंडे वाला बंदा सबसे लास्ट पे मेरे को लग रहा वो उधर जाना चाहिए था ये मिलन को लगता है कि ये पानी पार कर लेगा Come on guys, चक दे उन्हें दे पटे चक दे पटे तेले कुर्बानी दे राह लबन पर मैं लगता इतने कोई राह है अगे पानी जड़े हिलाता जा तो मैं ला जाना पिछे इन्होंने फिर चल जाना ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਆ ਪੈਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੁੱਭਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਰ ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪਾ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਪੈਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜ
जराबा गिलियां हो गई। राह पार पा इन्हें कर लेना अज पार। फाइनली इन्ना चलन तो बाद सानू एक ब्रिज लभ्या। होपफुली वो ब्रिज सही सलामत होवे तो असी पार कर सकीए। वैसे पानी की कमी नहीं इत्थे, आपां एवें एवें बोतल चक ले आए हैं, पर पिछे पहाड़ अगे पहाड़ चारों पासे पहाड़ ते पहाड़ां दे विच पानी। हो ब्रिज है, ब्रिज है, ब्रिज है, ब्रिज आया आया आया। हो ब्रिज मिल गया, ब्रिज आया, ब्रिज ये फाइनली ब्रिज लभ्या। सो एक ब्रिज पार करने तो बाद पता लगा कि अगे फिर नहर आ, आप दो नहर के बिच घिर गए, इधर भी नहर ते उधर भी नहर। ये देखो, ये देखो वीडियो के चक्कर में ये गिरेगा भी गिरेगा। ए ए ए बच गया, बच गया। आज तेरे 5 पॉइंट बच गए। तो गाइस जिंदगी जीओ, खुशा रहो, काम तो चलता रहेगा, वो एक दिन की जिंदगी। ए लक्ष्मी देवी मेरे दोस्तों, आज और कल के लिए बाहर का लाइफ फुल जाओ, काम करना अभी और बस एंजॉय करो। ना तो हमारे पास इंटरनेट है, ना तो हम कहाँ है वो हमको भी पता नहीं है, बस अपने ही मगज में खो जाओ। कैंपिंग इज नॉट ईजी टास्क। फाइनली 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 सानू दूजा ब्रिज मिलिया ते ये नहर पार कर रहे हैं। सो मुंडिया ने तो नहर पार भी कर ली, तो मैं ते मिथुन पिछे हाँ, क्योंकि असी दोनों मिथुन मेरा ध्यान रख रहा, बेचारा मेरे नाल नाल चल रहा, और मैं वाकई हुणे ही थक गया, हजे तक कैंपिंग शुरू होनी है। सो फाइनली ये नहर आ ब्रिज ने पार कराई है सानू। फाइनली नहर पार की, वधिया इन्होंने गेट लाया तो जानवर ना जावे कोई, थले भी उन्होंने जाली लाई सी प्यार ना स्लिप हो गए। ओ साडे जवान किन्नी दूर चल गए, ये तो वधिया, मैं ही थक गया। सो मैं बह गया, हुण आपां जाणा पहाड़ दे उत्ते। ओ किथे उधर, चलो पानी पहाड़ दी देखा है, पर हवर पानी ना करो। तो कह लो इतों शुरू हुई है असली कैंपिंग, पहाड़ पर चढ़ना आ वाली जगह तो शुरू है। इन्नी देर तो असं एवें तुर के आते रहे हैं। बेचारिया ने मेरा बैग भी चक लिया, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक गया सी। इन्होंने थोड़े जे राह मेरा बैग चक्या, फिर जाके मैं इन्होंने तो वापस लिया, मैं चंगा नहीं लगा। मैं क्या बेचारे एक तो मैंने लैके आया, तू मेरा बैग चक चक घूम दे। सब तो ज़्यादा थैंक्स आ मिलन का, क्योंकि उन्हें बहुत हिम्मत दिखाई मैं उपर चढ़ने। सो उदे करके अज की मेरी कैंपिंग पूरी हुई है। सो उदे लई पहला, सब तो पहला उदा थैंक्स, मेरा बैग चक चक के भी बेचारा अद्धे राह तुरिया।
मेरी शक्ल देख के समझ सकते हैं कि कड़ी हालत हो गई है। माता मैं थोड़ा जा रह गया और पहाड़ फाइनली मुश्किल तो मुश्किल डोंकी लानी कुछ ईजी है को टप्पन लिया कंध ए मैक्सीको वाली कंध तो नहीं हैगी लेक डिस्ट्रिक्ट वाली कंध आराम ना आराम ना दूसरी तरफ रख पैर अरे तू खुद ही फिर पैर फिर अब आ रहा है माधव निकलो छब्बीस जनवरी याद रखना 26 जनवरी को बताना मत कैंपिंग ऐसे करते हैं 26 जनवरी का वरना लोग आएंगे नहीं ओके ऊपर ऊपर चढ़ी जाने साडे तेल मदे सानू लभ ही नहीं रहे कित्थे गए साडा हाल हो गया ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈਏ ਅੱਧਾ ਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਅੱਧਾ ਹੁਣ ਮਾਉਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਾ बोलना पता है सबसे बेस्ट थिंग क्या है क्या इधर ना नेटवर्क ही नहीं है हाँ। नेटवर्क नहीं है मतलब संसार से दूर बस अपना बस एंजॉयमेंट बस अपनी अपनी सेल्फ को टाइम दो बस ऐसे पीस ऐसे आराम से सुकून भरी जिंदगी वो रहा माधा मिलन किधर पहुंच गया ये फाइनली सानू स्पॉट मिल गया टेंट लाने लई वाकई कमा मेहनत तो बहुत लगी है पर नज़ारा जड़ा वो वाकई नज़ारा ही है हाँ सो पहाड़ की पूरी चोटी से ऊपर के पास दूजा पहाड़ इतने थोड़ा जहा अंदर थोड़ा सो आ स्पॉट आ जिथे आप कैंप लवेंगे क्योंकि थोड़ा जहा थले करके बढ़िया हुआ सो ये मेरा पहला कैंप आ तो बहुत औखा सीगा मैं चढ़िया चलो जिवें भी आ गया सो मैं तुहानू दिखाना चाहुंदा कित्थों चल के आया तो कित्थे तक आ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਫ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ रिपब्लिक डे भारत माता की भारत माता की तो ये जड़ी खुशी है ना ऊपर आके तिरंगा लहरा दी मजा चलो गोरियां दे शहर च अपना तिरंगा ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਬਤਾਈ ਗਈ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਪਹਿਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਂਪ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਸੋ ਸਪੋਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਟ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਘਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰ ਲਾਈਵ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉਲਟੇ ਪਾਸੋਂ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੰਡ ਸੋ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਦਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਈ ਮਾਧਵ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜਰਾਤੀ
देखना कैसे हो गया ये रोल। पता है मेरे ये रोल रोल का सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, तो ये हम पांच छह लोगों का नेटवर्क आज रहेगा। छह बंदे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सिर्फ कनेक्ट ही करेंगे बस। मैं पबजी नहीं खेलेंगे, बस मैं पबजी नहीं खेल सकता। नब नंबर दो चालू, समान कड़ो सारा ते टेंट लाओ। क्या 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 हाँ वो भी कर लो। हाँ ये मेरा फला फले फला फल। ये देखने को जिन्ना सौखा लग गया पर उन्ना सौखा सानू टेंट लाना नहीं सीगा, क्योंकि बहुत तेज हवा वग रही थी। इन्नी तेज हवा के टेंट लाना साढ़े लिए एक अलग टास्क सगा, पर इन्हों की मेहनत आ, क्योंकि ये मुंडे आते रेंदे ये करते रहेंगे आ। सो इन मैं तो खाली इन्हों की हैल्प ही की, टेंट तो इन्हें नहीं लाया, पर टेंट बहुत वधिया अंदर दो रूम आ, दोनों पासे चार चार बंदे पै सकते, पांच पांच भी पै सकते, एडा वड्डा टेंट सी ना। जिहदा कम उन्नू साजे, दोनों भरावां ने बहुत वधिया टेंट लाया। मिलन और मिथुन दोनों ने मिलकर टेंट लगाया है। माधव का मजा ही ले रहा, मजे टेंट लाने तो बाद आप कह लो कि सारे जने बैठे हाँ, तो हजे सिर्फ पांच ही बजे थी, सानू नहीं पता ये दिन किदा कढ़ना सीगा, तो रात कदों होनी है, तो अगला दिन किदा चढ़ना। पर जो भी आ रात असी किदा कढ़ी वो भी तुसी देखोगे, तो वापस आप टेंट रैपअप करके की किवें वापस आए, तो टेंट का की हाल होया। सो अगले दिन की फल किया वो सारा तुसी देखियो मेरे नैक्सट ब्लॉग च। तो तद तक लई मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहे, सबसक्राइब कर लो। थैंक्स सारयां नू जिन्हां ने देखिया, जिन्हां ने नहीं भी देखिया उन्हां दा भी थैंक्स। थैंक यू।